कानपुर हत्याकांड के बाद गोरखपुर जिले के पुलिस विभाग के नोडल पुलिस अधिकारी एडीजी एटीएस ध्रुवकांत ठाकुर जिले के सभी बदमाशों की सूची की समीक्षा करने के लिए गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान वे शनिवार को पुलिस विभाग की एक एक कमियों और अच्छाइयों को जांचने के लिए कोतवाली थाने पहुंचे। आपको बता दें, पिछले नवम्बर की अपेक्षा इस बार उनका दौरा कई मायने में अलग रहा। इस बार वे पुलिस महकमे के अंदरूनी कमियों का अध्ययन किए और अपनी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाएंगे। शासन के निर्देशों के अनुसार उनकी समीक्षा में मुख्य मुद्दा जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची है। उन्होंने कोतवाली थाने के अलावा अन्य अपराधियों और उनके खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। साथ ही थानेदारों की तैनाती में सामाजिक समीकरण का पालन हो रहा है कि नहीं, इस बात की भी रिपोर्ट शासन को देंगे। निरीक्षण के दौरान एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, सीओ कोतवाली बीपी सिंह, सीओ कैंट सुमित शुक्ला सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, उस लोग लिए डिस्टेंस बना के रहे। वो ये मेंटेन करते हैं कि आज के डेट में कौन कौन आया आपके यहाँ चलो आओ, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। तीन है, दो चलते ये वाला सामने पड़ेगा।
अभी तो पूरे कार्रवाई की जाएगी। ये कब हुआ? किस से ज़्यादा इसमें पूरा मकान जाल रहता है। इसके बगल वाली गली भी, इसके बगल एक गली और से भी है। मैं कोई भी मंडे पिछले सैटरडे को हम लोगों ने जब सरकार ने बोला उससे पहले ही हमने दोनों सड़कों इधर वो रेडीमेड उसी में ही निकले सर। डेली हमारे यहाँ 500 के आसपास अच्छा 500 तो मिनिमम रिजल्ट आया है। प्रेगनेंसी है आज की तरफ 500 रिजल्ट पेंडिंग है। 900 में से आज के 500 आएंगे। परसेंटेज सर 12.5% से घट के आज पहले 18% रिपोर्ट किया था। एडीजी एटीएस सर द्वारा आज कोतवाली थाना का आके भ्रमण किया गया है और भ्रमण करने के साथ यहाँ पे कोरोना संबंधित तैयारियों के बारे में भी समीक्षा की गई है। साथ में कुछ कई दिशा निर्देश दिए गए हैं कि और कितने प्रभावी ढंग से हम हॉटस्पॉट्स पे निरीक्षण और अपनी निगरानी बना के रख सकते हैं। थाने का निरीक्षण नहीं है, यहाँ के टॉप 10 और एक्टिव लिस्ट की समीक्षा की गई है। यहाँ पे जो अपराधी उनकी समीक्षा की गई है और उनके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश सर द्वारा दिए गए। नहीं, जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट बनेंगे शासन के निर्देशों के अनुरूप वहाँ पे पूरी ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, बैरिकेडिंग की जा रही हैं, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है, स्वास्थ्य टीमों द्वारा भी भ्रमण किया जा रहा है लगातार और शासन के नए निर्देशों के अनुरूप वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। वर्तमान में वीकेंड्स पर सैटरडे और संडे पर पूरे नगर क्षेत्र में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, इनफैक्ट पूरे जनपद में, और पिछले 7 दिनों से कोतवाली सर्कल में क्योंकि यहाँ पर सघन आबादी थी तो यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया था। आगे जो भी निर्देश शासन द्वारा आएंगे उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाए, जैसे जैसे जो भी निर्देश आए उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए।